गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, चलिए हमने SST की एक्सरसाइज करनी है। इसमें स्टार्ट करते हैं। वे जो है ओरल क्वेश्चन है आपके, हु इज़ द कॉल्ड ऑफ शिप ऑफ द डेजर्ट। अब आपको पता है शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि किसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो सभी बच्चों को पता है रेगिस्तान का जहाज जो है कैमल को कहा जाता है। अब आपको बताना हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, तो कैसा क्लाइमेट होता है दिन के समय वहाँ पे रेगिस्तान में, हॉट तो हॉट होता है। ओके, तो ये ओरल क्वेश्चन है, आपको रिटर्न में नहीं करने हैं। अब आ जाइए टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये हमको करना है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको स्टूडेंट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ द डैश, हमारे पास ऑप्शन है थार डेजर्ट, गोभी डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट। तो इसका सही आंसर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कहा जाता है थार डेजर्ट को, तो थार डेजर्ट पे आप राइट लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच सिटी इज़ नॉट द इंडियन ग्रेट इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन, कौन सा शहर जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर नहीं आता है, गांधीनगर, जैसलमेर या बेंगलुरु। बेंगलुरु नहीं आता है। ओके, तो बेंगलुरु पे आप टिक लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द लूज सैंड फॉर्म्स डैश इन अ डेजर्ट, तो जो हमने आपको बताए थे लूज सैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे टीले होते हैं रेत के, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो जाते हैं जब हवा चलती है, तो वो उनको क्या कहा जाता है, उनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, ड्यून्स। तो इसमें आएगा ड्यून्स पे राइट लगाएंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट दिस प्लांट इज़ नॉट फाउंड इन अ डेजर्ट, कौन सा प्लांट है इनमें जो डेजर्ट एरिया में नहीं पाया जाता है। तो अब आपको पता है खेजरी एंड कीकर तो मिलते हैं, देवदार ये जो है पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है, तो देवदार जो है यहाँ नहीं मिलता है, तो टिक लगाएंगे। उसके बाद है फिफ्थ वाला, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान इज़, जो मुख्य व्यवसाय राजस्थान का क्या है, हैंडीक्राफ्ट नहीं है एंड माइनिंग भी नहीं है, इसमें कैटल रियरिंग है, ठीक है, जो पशुपालन है वो मुख्य है। तो ये हो गया आपके टिक द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों ने करने हैं सभी ने। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए। द थार डेजर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस पार्ट ऑफ इंडिया एंड डैश, जो थार डेजर्ट है वो फैला हुआ है आपका इंडिया और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका सेकंड, अ डैश इज़ अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद लूज सैंड, तो इसमें आएगा अ डेजर्ट इज फ्लैट लैंड कवर्ड विद लूज सैंड। थर्ड है पूल्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन डेजर्ट आर कॉल्ड, जो पूल्स होते हैं जो छोटे छोटे जो ज़मीन के नीचे पानी होता है जिसमें लाइक पूल टाइप का, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑसिस कहा जाता है, तो ऑसिस कर लेंगे उसको। एंड फोर्थ है आपका द वाटर ऑफ रिवर सतलुज हैज़ बीन सेंड टू राजस्थान थ्रो, जो वाटर है नदी का सतलुज वो भेजा गया है राजस्थान में, वो किसके माध्यम से, इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल। अब आ जाइए फिफ्थ में, द हाउसेज हैव डैश रूफ इन द डेजर्ट रीजन, जो घर है हाउसेज हैं वो कैसे हैं आपके, रूफ इन द डेजर्ट रीजन के फ्लैट पे आएगा आपका। ओके, उसके बाद है आपके ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स में क्या होगा, सही और गलत बताने हैं आपने। अ डेजर्ट इज़ अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद लूज सैंड, जो डेजर्ट है फ्लैट एंड कवर्ड लूज सैंड से, यस राइट, फर्स्ट इज़ द राइट। सेकेंड है आपका एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन डेजर्ट, जो एग्रीकल्चर है यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, नो यहाँ पे एग्रीकल्चर मुख्य व्यवसाय नहीं है। उसके बाद है आपका कैमल इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैमल जो है मुख्य सोर्स है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के रूप में, यस एंड मैनी ह्यूज हाउसेज आर कॉल्ड फोर्ट्स, जो मने बड़े बड़े घर हैं उनको क्या किले कहा जाता है, नो बड़े बड़े जो घर हैं इनको हवेली कहा जाता है, तो ये आपका रॉन्ग है। एंड कैमल्स हेयर आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, कैमल के जो बाल हैं
वो कपड़े बनाने के काम आते हैं। यस, कैमल के हेयर जो है कपड़े बनाने के काम आते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स मैं आपको रिटर्न करके आपको नोटबुक सेंड कर दूंगी, ठीक है, नोटबुक में। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। विच आर द मेन सिटीज़ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आपको वो शहर बताने जो इंडियन ग्रेट डेजर्ट में आते हैं। हालांकि आप लोग अगर बुक लेते तो बहुत ईजी होता, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको भी नहीं होती, इसमें सारा कुछ मिल जाता आपको। तो क्वेश्चन से ही ले लेंगे, द मेन सिटीज़ आर इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऐसे करके करेंगे। उसमें आ जाएंगे आपके गांधीनगर, सूरत, जैसलमेर, ये सब यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ओके। एंड सेकंड है आपका, ओके, विच प्लांट ग्रो इन द डेजर्ट रीजन एंड वाई, ये भी बोला है। तो कौन कौन से प्लांट है जो इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं, अब आपको पता है। इसमें बोल डेट पाम्स ग्रो हेयर, अदर प्लांट्स डेट आर कॉमनली फाउंड ऑल ओवर अ डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, केसरी, कीकर एंड बबूल। क्यों मिलते हैं, क्यों ये वाले प्लांट मिलते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के लिए पानी कम, पानी की मात्रा कम लगती है, इसलिए ये प्लांट्स आसानी से यहाँ पर उग जाते हैं, इसलिए इनको पानी कम चाहिए था, तो इसलिए ये प्लांट यहाँ पे आसानी से उग जाते हैं। तो इसको मैं रिटर्न में भेज दूँगी आपको। एंड व्हाट आर द यूज़ ऑफ कैमल इन द डेजर्ट रीजन, क्या यूज़ है कैमल का डेजर्ट एरिया में। तो कैमल का तो बहुत यूज़ है, कैमल इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पूरा ही कर लो आप। एंड इट इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज, पूरा ही आ जाएगा मुझे तो लगता है। कैमल इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द शिप ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल हैज बोथ पैडेड फीट टू वॉक ऑन द सैंड, ये इट स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प and it can stay without water for many days. ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है what are the uses पूछा, तो uses में ही आ जाएगा आपका, its milk is used by the pupal and its hair used to make cloth, skin, and ये आंसर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सबसे पहले तो इतना ज़रूर लिखना, कैमल इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद इट्स, उसके बाद आ जाएगा इट्स मिल्क इज़ यूज्ड बाय द पीपल, यहाँ से आएगा, ठीक है, टेंथ, ओके। एंड हु आर बंजाराज, बंजाराज कौन होते, बंजाराज तो बंजारा दिया जाएगा। मैनी पीपल ट्रैवल ऑल द टाइम इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड, दे डू नॉट हैव होम, पूरा ही आंसर है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट, ये फोर्थ है,
वट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू पीपल वियर इन डेजर्ट, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं डेजर्ट में ये लोग? तो ये हो जाएगा आपका द पीपल से कर लेना, द पीपल से, द पीपल ऑफ दिस रीजन वियर कलरफुल क्लोथ्स डेट हैव ग्लास एंड सिक्विन वर्क. नहीं नहीं नहीं, ओनली कलरफुल क्लोथ्स तक करो. उसके बाद मैन, मैन वियर कुर्तीज विद वाइट धोतीज एंड ब्रिंग टर्बन्स, एंड वुमेन वियर कलरफुल घाघरास एंड लहंगास विद ओढ़नी. बस इतना ही ठीक है. ओके चलिए ठीक है, इतना अब आप लोग कर लेंगे. आपका ये चैप्टर जो है 4 कंप्लीट हो गया, और बाकी फिर आप मुझे नोटबुक सेंड करेंगे. थैंक यू वेरी मच. ओके बाय.